वाराणसी शहर को क्योटो बनाना था, लेकिन मूसलाधार बारिश बरसी तो क्या बन गया, खुद ही देख लीजिए। महज एक घंटे की बारिश में सड़कों पर इतना पानी मानो स्विमिंग पूल हो। गाड़ियां जैसे तैसे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी बाइक पानी में खराब हो गई। पानी लोगों के दरवाजे तक पहुंच गया है, बड़ी मशक्कत से लोग अपने घरों में प्रवेश कर पा रहे हैं। इस मंदिर को देखिए, मंदिर के ऊंचे घेरे तक पानी पहुंच गया है, बस किसी तरह भगवान का घर जलमग्न होने से बच गया। गदौलिया से दशाश्वेग मार्ग गिरिजा घर से नई सड़क तक कल शाम हर सड़क समंदर में तब्दील नजर आई। शहर के लोग कहते हैं कि यहाँ तो यह सालों की समस्या है, क्योंकि नालों में कभी भी ठीक से सफाई ही नहीं होती। दिक्कत सर ये आज का नहीं, ये दिक्कत बहुत पुराना है। आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे है शाही नाला, अगर आप शाही नाले को जो है एकदम क्लीन कर देते तो ये जो जल जमाव का सिस्टम है ये नहीं लग पाता, समझ रहे हैं। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी को वर्ल्ड सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा नगर निगम पर फूट रहा है। नगर निगम वाले कुछ कर ही नहीं रहे सर, हमारे प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ अभी दे के गए हैं 15 तारीख को, लेकिन 1 रुपया कहाँ जा रहा समझ में नहीं आ रहा। योगी हाँ पैसा तो खूब भेज रहे हैं मोदी जी शहर को बनाने के लिए, ऐसा क्यों रहा है जो यहाँ जिनके ठीका मिल रहा है वो आराम से मजा ले रहे हैं लोग पैसा खा खा के, उनको पब्लिक से मतलब नहीं है। पब्लिक को कितना दिक्कत परेशानी से झेल रही है पब्लिक यहाँ की। ये तस्वीर वाराणसी की है, लेकिन ये बदहाली देश के तकरीबन हर शहर की है। करोड़ों रुपए शहरों को खूबसूरत बनाने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन हर साल बारिश ये सवाल पूछती है कि आखिर वो पैसे कहाँ गए। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बनजानी, भैया ये यूपी है यहां सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।